नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आपको जैसा कि पता है, हम 11th क्लास की मनोविज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांत। 13 तक विकास के सिद्धांत पढ़ लिए हैं। दोस्तों, यह वीडियो आगामी रीट भर्ती 2020 में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की पाठ्य पुस्तकें हैं वो हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है, यह विकास का 14वां सिद्धांत है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वातावरणीय जोखिम रहते हैं, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अभिभावक और अध्यापक विशिष्ट अवस्था से जुड़े जोखिमों के प्रति जागरूक रहें। ठीक है दोस्तों, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं 14वें को, ताकि उनसे बालक को बचाया जा सके। 15वां है मित्रों, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता रहता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उस मात्रा में गुणों का विकास करती है। तो दोस्तों, 1 से 15 तक ये थे विकास के प्रमुख सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। जी हाँ दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, किसी भी बालक या मानव का विकास किसी एक तत्व अथवा उपकरण पर निर्भर नहीं करता है। उसके विकास में बहुत से तत्व मिलकर काम करते हैं। बालक के विकास और उसकी गति पर भोजन, स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों, वातावरण, सूर्य प्रकाश, शुद्ध वायु तथा ऋतु आदि का भी प्रभाव पड़ता है। तो उसकी मनोवृत्तियों, वंशानुक्रम तथा सामाजिक संबंधों का भी प्रभाव पड़ता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले ये तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परंतु इन तत्वों के सापेक्षित प्रभाव के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। विकास के इन तत्वों का अध्ययन वातावरण और वंशानुक्रम के संदर्भ में किया जाता है। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में मित्रों, पहला है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। प्रत्येक मानव कुछ निश्चित क्षमताओं या गुणों के साथ पैदा होता है। ये जन्मजात क्षमताएँ अथवा गुण उसके गर्भ के समय अपने माता पिता एवं पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं। इस जटिल जैविक प्रक्रिया द्वारा माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले गुण उसका वंशानुक्रम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम वंशानुक्रम उसे कहते हैं जो व्यक्ति उसकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त योग्यदान होता है। वंशानुक्रम से ही व्यक्ति को सभी शारीरिक विशेषताएं जैसे चेहरा, रंग, आँखें, हाथ पैर, लंबाई आदि बाह्य अंग प्राप्त होने के साथ साथ उसकी शरीर की आंतरिक क्रिया प्रणाली को भी नियंत्रित करने वाली ग्रंथियां और विभिन्न संस्थान भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ये सभी जो है वह वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। मानव को मानसिक योग्यताओं में विशेष रूप से मूल प्रवृत्ति, बुद्धि और अभिसमता जन्मजात होती है। इन जन्मजात शक्तियों का पूर्ण विकास उचित वातावरण से ही संभव हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या नाम आए हैं? मूल प्रवृत्ति, बुद्धि और अभिसमता। ठीक है दोस्तों, कई बार आता है मूल प्रवृत्ति है जन्मजात या अर्जित, कई बार आता है बुद्धि है जन्मजात या अर्जित, इसी प्रकार अभिसमता का भी क्वेश्चन आता है। तो वंशानुक्रम का हमने प्रभाव देख लिया है, अब है वातावरण, एनवायरमेंट। मानव का वातावरण वे भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसमें वह जन्म लेता है और विकसित होता है। वातावरण का मानव की जन्मजात शक्तियों और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में जन्मजात शक्तियाँ अविकसित रह जाती है, चाहे वे शारीरिक शक्तियाँ हो अथवा मानसिक। मानव के विकास, विकास की गति तथा उसके व्यवहार पर अनेक वातावरणीय तत्व प्रभाव डालते हैं। और पहला है भोजन। कौन से वातावरणीय प्रभाव है, तत्व है? पहला है भोजन। व्यक्ति के सामान्य विकास के लिए पुष्टिकर और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में व्यक्ति विकास के सभी आवश्यक तत्व पाए जाने वाला आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दुर्बलता और रोग उसके विकास में बाधक बन सकते हैं। सही भोजन व्यक्ति को सभी अवस्थाओं में आवश्यक होता है, परंतु शैशव अवस्था और बाल्यावस्था में इसकी अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा है शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश। व्यक्ति के विकास की दृष्टि से शुद्ध वायु और सूर्य प्रकाश का बड़ा महत्व है। बहुत से रोग
तो धूप, स्नान और शुद्ध वायु से दूर हो जाते हैं। विशेषकर बालक के प्रारंभिक वर्षों में स्वास्थ्य स्थिति, आकार और परिपक्वता आयु इससे बहुत अधिक प्रभावित होती है। धूप से जीवन शक्ति, यहाँ पर देखिए मित्रों, जो धूप से जीवन शक्ति मिलती है वो रोगों के रोगाणु भी मरते हैं। धूप से विटामिन डी, दोस्तों अंडरलाइन कर लेना, प्राप्त होता है। इसके अभाव में बालकों को सूखा रोग हो जाता है और शरीर के अन्य रसायनों जैसे कैल्शियम के लिए भी ये आवश्यक होता है। त्वचा के रोगों के लिए भी धूप बड़ी लाभदायक है। शुद्ध वायु शरीर के रक्त को शुद्ध करती है जो स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। चर्म रोगों तथा क्षय रोगों में शुद्ध वायु का बहुत होना आवश्यक होता है। अगला है मित्रों तत्व संस्कृति। संस्कृति किस प्रभाव से विकास को प्रभावित करती है? कल्चर। बालक के विकास में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक देश की अपनी अपनी संस्कृति है और संस्कृति में विकास के अलग अलग अवसर होते हैं। उनके रीति रिवाज, परंपराएं भी अलग अलग होते हैं। जो समय देश काल होगा, संस्कृति भी समाजीकरण द्वारा बालक के विकास को प्रभावित करेगी। एक भारतीय बालक अपने देश की आध्यात्मिक संस्कृति में पलना बढ़ता है जिसका प्रभाव उसके सांवेगिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में स्पष्ट दिखाई देता है, जो उसे अन्य संस्कृतियों जैसे अमेरिका में पले बड़े बालक से भिन्न बनाता है। उस देश की संस्कृति संस्कार रूप में व्यक्ति के अवचेतन तथा अचेतन मन में समाई रहती है। प्रसिद्ध मनोविश्लेषक युंग महोदय का कथन है कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ होता है। जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। दोस्तों ये किसने कहा था? युंग ने कहा था। मार्गेट मील और बेनेडिक्ट जैसे मानव शास्त्रियों ने अध्ययन के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि बालक की विकास पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जो संस्कृति जितनी उन्नत होगी उससे संबंधित व्यक्ति उसी मात्रा में गुणों को अर्जन करेगा। जैसे आध्यात्मिक केवल हमारी संस्कृति में है पनप सकती है, पाश्चात्य संस्कृति में नहीं। तो दोस्तों संस्कृति का जो है वो भी प्रभाव बालक के विकास पर जरूर पड़ता है। जिस प्रकार की संस्कृति होती है बालक में उसी प्रकार के गुणों का समावेश होता है। चौथा है दोस्तों परिवार। दोस्तों परिवार का जो प्रभाव है वो बालक के विकास पर किस प्रकार से पड़ता है वो पढ़ते हैं। व्यक्ति के विकास का परिवार, आगे बढ़ते हैं, परिवार की स्थिति, परिवार में उसका स्थान व परिवार की परिस्थितियां प्रभावित करती है। परिवार के स्तर के आधार पर बालक की सोच और मानसिकता बनती है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देख सकते हैं जो परिवार है वो भी बालक के विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। पांचवा है समाज व सामाजिक संबंध। बालक का विकास उसके परिवार, समाज और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। उसी के अनुसार बालक की संरचना उस देश की संस्कृति से प्रभावित होती है और बालक का समाज उसके सामाजिक संबंधों को निर्धारित करके उसके विकास को नई दिशा प्रदान करता है। बालक का व्यवहार उसके समाज जैसे परिवार के सदस्य, पड़ोस व विद्यालय के सदस्य गणों के क्रियाकलापों से प्रभावित होता है और उसी के आधार पर बालक अपनी अनुक्रिया करता है। इन सब का प्रभाव बालक के विकास के सभी पक्षों पर पड़ता है। छठा है दोस्तों पालन पोषण। पालन पोषण का बालक के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण के तरीके उसके व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बालक की अनुक्रिया व्यवहार से प्रभावित होती है और व्यवहार का अच्छा या बुरा होना लालन पालन से प्रभावित होता है। पालन पोषण में सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपलब्धता भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। यह बालक अपने माता पिता के साथ पारस्परिक संबंध वे स्तर को भी प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो पालन पोषण है वो भी प्रभावित करता है। अगला है जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं भी प्रभावित करती है। जीवन की अच्छी और ख़राब घटनाएं और दुर्घटनाएं मानव जीवन के विकास को प्रभावित करती है। कभी कभी एक घटना पूरे जीवन के विकास की दिशा ही परिवर्तित कर देती है। जैसे एक व्यक्ति की दुर्घटना में तंत्रिका तंत्र के नुकसान होने पर उसका सामाजिक, सांवेगिक, शारीरिक और नैतिक विकास प्रभावित होता है। इस प्रकार मानव विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक पूर्ण विकसित मानव इन्हीं दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसे एक पौधे में उसके आधारभूत गुण उसके बीज में निहित रहते हैं और बीज ही पौधे के विकसित रूप को निर्धारित करता है, परंतु यह पौधा तब तक सही रूप में विकसित नहीं हो पाता जब तक वह अनुपजाऊ
भूमि पर है या जल व प्रकाश के अभाव में है। इसी तरह बालक के विकास की दिशा तो उसका वंशानुक्रम निर्धारित करता है, परंतु उसकी अभिक्षमताओं का पूर्ण विकास उपयुक्त वातावरण द्वारा ही संभव होता है। अतः विकास बालक की अंतर्निहित क्षमताओं और वातावरणीय प्रभाव की अंतःक्रिया का ही जो है वह परिणाम होता है। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे प्रकृति और संवरण के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों मनोविज्ञान के 11th और 12th क्लास की जो किताबें हैं वो पूरी आपको इस पर पढ़ाई जाएगी। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।